तो गाइज आज हमारे सामने खड़ी है छोटी माफिया कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और ये इसका बेस मॉडल है। इसके अंदर आपको जो चार मॉडल देखने के लिए मिलते हैं LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, आपको जो है चार मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। और ये आपके सामने जो आज बेस मॉडल खड़ा है LXi, इसके अंदर हम देखें क्या कुछ आपको जो फीचर देखने के लिए मिलते हैं, प्राइस, इंजन स्पेक्स, आपको जो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको जो है पूरी डिटेल पता चल जाएगी आपको जो है। तो सबसे पहले जो फ्रंट से बात करते हैं क्या कुछ आपको जो फीचर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेसरीज़ के तौर पर भी मिल सकती है, मैं आपको बता दूँगा कहाँ कहाँ आपको जो इसके अंदर एक्सेसरीज देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हेडलैम्प की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको जो हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं। आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं एलोजन बेस्ट, और यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई भी आपको जो है फोग लैम्प देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि भाई बेस मॉडल है तो कुछ तो मारुति को लिहाज रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो है क्रोम के अंदर जो है मारुति का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको जो है क्रोम दिया गया है। कोई भी आपको जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वेंट्स जैसा एलुजन देगा जो कि फेक है, आपको जो ऑपरेशनल नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एरोडाइनमिक पर इतना कुछ फोकस किया गया नहीं गया। तो यहाँ पर आपको जो है फेंडर पर ही इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक आपको जो RBM देखने के लिए मिल जाता है। ऐसी कुछ आपको जो है ब्लैक कलर के अंदर आपको जो है डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले जो हम साइड प्रोफाइल में बात करें, तो ऐसी कुछ आपको जो साइड से देखने के लिए मिलती है। अगर हम जिसके जो टायर साइज़ की बात करें, क्या कुछ आपको जो टायर साइज़ देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको जो है 165/18 R14, तो आपको जो है 14 इंच का टायर देखने के लिए मिलता है। और की आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है, कोई भी आपको जो है रिमोट की देखने के लिए नहीं मिलती। ऊपर आपको जो है सॉफ्ट एंटीना देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी आपको जो है वाइपर डिफोगर नहीं देखने के लिए मिलता, स्पॉइलर वगैरह। पीछे आपको जो मारुति का लोगो, ऐसी कुछ आपको जो टेल लैम्प देखने के लिए मिल जाती है। और चार आपको जो रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के मिल जाते हैं। स्विफ्ट की बैजिंग क्रोम के अंदर, नंबर प्लेट की जगह। ऐसी कुछ आपको जो साइड से देखने के लिए मिलती है। अब जो इसके अंदर चलते हैं, धूप आ रही होगी कोई ना, तो ऐसा कुछ आपको जो डोर पैनल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको जो मैनुअली ग्लास फोल्ड एंड फोल्ड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको जो छोटा स्टोरेज दिया गया, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं, बिल्कुल आपको ब्लैक आउट दिया गया। यहाँ पर आपको जो छोटा स्टोरेज दिया गया बोतल होल्डर वगैरह के लिए। यहाँ पर आपको स्पीकर, और यहाँ पर आपको कोई भी ट्विटर नहीं दिया गया। और आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो फैब्रिक सीट देखने के लिए मिलती है, मैनुअली आप जो फोल्ड एंड फोल्ड करोगे। और यहाँ से आपको जो है बूट, और यहाँ पर आपको जो है फ्यूल फिलर कैप खोल सकते हैं। चाबी के ऊपर आपको जो कोई भी कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसी कुछ आपको जो लुक देखने के लिए मिलती है। अब जो इसके अंदर चलते हैं, और अब इसकी जो है आवाज़ सुनना आप। एक बार रेव करते हैं थोड़ा, एक्सीलेंट। तो इंटीरियर के अंदर आपको कुछ ज़्यादा नॉइस नहीं आएगी। आपको जो है ऐसा कुछ आपको जो है स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी आपको जो स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ आपको जो क्लस्टर दिया गया है, एनालॉग आपको जो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है यहीं पर शो होगी, फ्यूल वगैरह की एवरेज वगैरह कितनी कुछ चल चुकी है गाड़ी। आपको जो कोई भी इंफोटेनमेंट भी नहीं दिया गया, आपको जो है ऑफ्टो मार्केट लगाना पड़ेगा। ऐसी कुछ आपको जो है ऐसी इवेंट्स दिए गए हैं। और अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर आपको जो हजार्ड का दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया गया है। ऐसी कुछ आपको जो है ऐसी लुक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जो लाइटिंग दी गई, कोई भी आपको सन ग्लास होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअली आपको जो है एसी दिया गया। यहाँ पर आपको जो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फ्लोर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 स्पीड का आपको जो है गेयरबॉक्स देखने के लिए मिल जाता है मैनुअली। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा कुछ आपको जो हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलता है।
तो आगे से आपको ओवरऑल ऐसे कुछ देखने के लिए मिलती है स्विफ्ट का बेस मॉडल। यहाँ से आप जो है हेडलैम्प वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो डेड पेडल नहीं दिया गया नीचे। और एक बार जो स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट देख लेते हैं, टिल्ट आपको जो टिल्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से आप जो है ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप और ऐसे कुछ आपको जो हेडलैम्प देखने के लिए हेडलैम्प के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल मैनुअली और सब कुछ हो गया आगे से। अब चलते हैं पीछे, पीछे वाला आपको कुछ कैसा डोर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको जो है रियल लुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको जो है हार्ड प्लास्टिक दिया है, छोटा स्टोरेज, और यहाँ पर भी आपको जो है मैनुअली जो शीशे को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बोतल होल्डर दिया गया, यहाँ पर स्पीकर हो गया, फैब्रिक सीट आपको देखने के लिए मिलती है। आपको जो है हैंड रेस्ट एडजस्टेबल नहीं दिए गए, आपके जो है फिक्स है। तो रियर से आपको कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलता है, ग्रैब हैंडल दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने से कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक आता है। यहाँ पर आप जो है छोटा स्टोरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी आपको आर्म रेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर हम इसके बूट की बात करें, तो आपको जो है इतना कुछ आपको जो है बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। दो आपको जो है हाइड्रोलिक जैक देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो आपको जो है 165/18R14 आपको सेम साइज़ का टायर देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर। अलॉय तो आपको जो है चारों टायरों में भी देखने के लिए नहीं मिलता, और इसके अंदर भी आपको नहीं देखने के मिलता, नॉर्मल आपको जो है रिम देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो आपको जो है 1200cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP और 114 Nm का टॉर्क। अगर स्टार्ट रहेगी ना गाड़ी तो आपको जो है पता भी नहीं चलेगा, अगर रेव वगैरह नहीं करेंगे हम जो है एक्सीलेटर नहीं करेंगे। एक बार जो हम आपको स्टार्ट करके दिखाई देता हूँ, अगर हम स्टार्ट करके ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो गाड़ी का पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्ट है भैया। अभी चलते हैं। सुनाई दे रही है? बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी भाई। एक्सीलेटर देंगे तभी पता चलता है कि गाड़ी स्टार्ट है। और ये आपको जो ऑटोमेटिक के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी, सीएनजी के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छी खासी आपको जो है माइलेज देखने के लिए मिल जाती है। आपको जो है 23 की कंपनी क्लेम करती है, तो आपको जो 20+ तो आपको निकाल के दे ही देगी। ABS, EBD आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट कौन से कार के रिव्यू की वीडियो डाले वो भी आप जो है कॉमेंट करके बता देना।